मात्र 35,000। गाड़ी में फीचर्स है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एसी, टायर भी आप देख सकते हैं, टायर एकदम नया है। ये गाड़ी है हमारी सेंट्रो जिंग, हुंडई की सेंट्रो जिंग है, ठीक है। ये 80,000 करीब चली हुई गाड़ी है। एक बार मुझे लग रहा है पेंट हो चुका है इस गाड़ी का, ठीक है। ये भी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, मात्र 80,000। मात्र 80,000 फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है, और इंश्योरेंस है गाड़ी सब मेरे यहाँ, पेपर आपको अप टू डेट मिलेगा, पेपर का कहना नहीं। नाम ट्रांसफर का एक्स्ट्रा पैसा लगता है? एक्स्ट्रा पैसा नाम ट्रांसफर का, कोई भी गाड़ी लीजिए उसमें लगेगा आपको। कितना लगता है? ये रांची नंबर है, इसमें करीब वही जो जानते हैं नाम ट्रांसफर का जो लगेगा अपना, वही 3-4 हज़ार बस आराम से। फोर्ड की फिगो, इसमें फीचर्स है पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एसी। किलोमीटर 60,000 चला हुआ था, लेकिन बैटरी शॉर्ट होने के कारण उसका किलोमीटर शायद उड़ गया है, ठीक है। गाड़ी 60,000 चली हुई है, टायर एकदम बढ़िया है, नया है। गाड़ी लेना है चलना है डीजल डाल के, गाड़ी बहुत बढ़िया है। कितना में छोड़ दे रहे हैं ये गाड़ी? मात्र 1,00,000 रुपये में। मात्र 1,00,000? 1,00,000 रुपये। और काफ़ी दमदार गाड़ी है, बहुत बहुत दमदार है। मुझे अगर कहीं जमशेदपुर या धनबाद जाना रहता है तो मैं इसी गाड़ी से जाता हूँ। अच्छा, कितना सीसी का है ये? है 1.2। पेट्रोल इंजन है? डीजल है, डीजल डीजल वर्जन। और जैसा मैं देख रहा हूँ इंटीरियर भी काफ़ी, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है गाड़ी। ये डीजल की वर्सन है 2010। माइलेज भी इसका बहुत बढ़िया है, 20 प्लस का माइलेज है। 20 प्लस दे देती है अभी भी? एकदम आराम से देती है 20 प्लस। ये है हमारी टाटा की इंडिगो, इंडिगो CS। इसमें भी फीचर्स है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो है। ओके, डीजल वर्सन है, 20 का माइलेज है टाउन में, हाईवे में 22 का माइलेज तो एकदम देगी ही देगी। 22 का माइलेज, और कौन सा मॉडल? 2009 की मॉडल है। ओके, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है। अच्छा, एसी इसका वर्क नहीं कर रहा, एसी है, ये गैस डालना हुआ हो गया, चला हुआ। ये 75,000 का, 75,000। और गाड़ी में एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा नहीं है? लेना है चलना है बस, डीजल डालना होना चाहिए, सब हम पेपर अप टू डेट देंगे आपको। ओके दीजिएगा, एकदम एकदम पेपर अप टू डेट देंगे। ये है मारुति सुजुकी की जैन स्टीलो, इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी भी बढ़िया है, पाँचों टायर इसमें नया है, और 2007 की मॉडल है, मारुति ब्रांड है इसका। पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, एसी है गाड़ी में, और ये गाड़ी मात्र 50,000 करीब चला हुआ। और कितना प्राइस रखें इसका? प्राइस है इसका 85,000। ये गाड़ी है हुंडई की सेंट्रो जिंग, ये भी गाड़ी बहुत बढ़िया है, केवल कलर थोड़ा सा फेड है बस छत्ता में और बोनेट में। पेंट इसका 100% ओरिजिनल है, 2008 की मॉडल है। इसको मैं छोड़ दूंगा मात्र 85,000 में। ये गाड़ी आप स्टार्ट करिएगा तो इस गाड़ी में आपको साउंड तक नहीं मिलेगा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं गाड़ी स्टार्ट है, एकदम फ्रेश है, बहुत कम चली हुई है, 35,000-38,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसे ये तो टेंट पेंट में नहीं, ये केवल देखिए धूप में खड़ी रहती थी गाड़ी। अच्छा, यहाँ जगह नहीं रहता है तो बाहर खड़ा कर देते हैं। तो 2008 मॉडल है तो देख रहे हैं 12 साल करीब हो गया गाड़ी का, धूप में खड़े खड़े फेड कर गया इसका जो है। साइड साइड बहुत बढ़िया है, ये सब सब ओरिजिनल पेंट है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। अगर कस्टमर बनवाना चाहिए 3-4 हज़ार में पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। ये है मारुति सुजुकी की अल्टो, 2009 मॉडल है, एलेक्स 2009 एलेक्स। इसमें एसी है, टायर वायर भी ठीक ही ठाक है, हल्का सा स्क्रैच है यहाँ पे। गाड़ी का प्राइस है 1,10,000 रुपया। और गाड़ी में जैसा मैं देख रहा हूँ हल्का हल्का स्क्रैच, तो ये बन जाएगा? ये तो बन जाएगा, कस्टमर को ही बेयर करना होगा पैसा। 2-3 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगा ये तो, करीब 700-800 रुपये में हो जाएगा, मात्र 700-800 में हो जाएगा। और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दमदार है अल्टो, हाँ बढ़िया है, बहुत रिसेल इसका बहुत बढ़िया है, बहुत कम अभी तो बहुत कम मिल रही है कोरोना काल में, और गाड़ी भी बहुत बढ़िया है। इंश्योरेंस होना चाहिए इस गाड़ी में? मेरे पास आपको सभी गाड़ियों का पेपर अप टू डेट मिलेगा, पेपर पूरा अप टू, मतलब पेपर हम कोई भी आपको खर्चा नहीं करने है। हाँ, अगर आप बिना नाम ट्रांसफर का गाड़ी मांगेगा तो हम नहीं दे पाएंगे, आपको नाम ट्रांसफर का पैसा लगेगा, नाम ट्रांसफर करके देंगे 1 महीना के अंदर। ये है हमारे पास 2014 की स्विफ्ट
ZDI टॉप मॉडल, स्विफ्ट का टॉप मॉडल 2014 का स्विफ्ट ZDI। डीजल है? डीजल वर्सन है, ZDI है, टॉप मॉडल है और ये चली हुई 40,000 मात्र। और फर्स्ट ओनर गाड़ी है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, आपको 3.5 लाख रुपए पड़ेगी। 3.5 लाख? 3.5 लाख। इंश्योरेंस तो होना चाहिए? सब अप टू डेट है सब। ये साइड ये नीचे पेंट किया हुआ है, ऊपर में छत पूरा ओरिजिनल है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ नहीं है। आप बोनेट उठा के भी देख सकते हैं, कहीं से देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। बस लेना है, चलना है, 20 प्लस का माइलेज है। ये है हमारे पास अनमोल मारुति सुजुकी की बहुत ही डिमांडेड गाड़ी, इसे आप किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं। इसका नाम है मारुति ओमनी, और 2008 की मॉडल है। इसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे आप बच्चा भी ढो सकते हैं, फैमिली भी ढो सकते हैं, सामान भी ले जा सकते हैं, सभी तरह की यूज इसमें कर सकते हैं। आजकल इसका डिमांड भी बहुत है। और ये है 2008 की मॉडल, प्राइस है इसका 1,20,000 रुपया मात्र, 120 मात्र 1,20,000 रुपया पड़ेगा आपको। गाड़ी बहुत बढ़िया है, टायर भी देख सकते हैं बढ़िया है इसका, इसको आप जो यूज़ करना है कर सकते हैं। चला हुआ कितना है? चला हुआ है 60,000 करीब। और सारा पेपर अप टू डेट? सब अप टू डेट देंगे आपको। गाड़ी हमारे पास टाटा सुमो की, सुमो ग्रांड, ये 2,25,000 पड़ेगी, 2010 की डीजल वर्सन है, ये डीजल वर्सन है 2010 की पड़ेगी, टाटा सुमो ग्रांड। गाड़ी बहुत बढ़िया है, टायर इसका चारों नया है, इंजन बहुत बढ़िया है। गाड़ी चलाइएगा तो लगेगा नहीं आप पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, एकदम नया का मज़ा मिलेगा। सेकंड ओनर है ये, सेकंड ओनर कार है, एकदम न्यू का मज़ा मिलेगा इसमें। इसका इंटीरियर भी बढ़िया है, पेंट भी ओरिजिनल है, सब कुछ बढ़िया है इस गाड़ी में। बस लेना है, चलना है, डीजल में इसका 10 प्लस का माइलेज है, 14 मान के चले। ये गाड़ी 80,000 चली हुई है। ये हमारी गाड़ी है मारुति सुजुकी की स्टीम, मारुति स्टीम, बहुत ही कम प्राइस में गाड़ी है, मात्र 35,000, मात्र 35,000। मतलब भाई लोग 35,000 में आप समझ सकते हैं सेकेंड हैंड बाइक भी नहीं आता है क्या भैया? और ये मैंने सरकारी गाड़ी है, ये मैंने कार्मिक विभाग से ऑक्शन में ली है। ओके, ठीक है, इस नाम ट्रांसफर में इसमें 5,000 रुपया लगेगा, 40,000 में गाड़ी ओके हो जाएगी। ओके हो जाएगा। गाड़ी में फीचर्स है पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एसी। टायर भी आप देख सकते हैं, टायर एकदम नया है, 3 टायर एकदम पूरा नया है ब्रांड, 14 का माइलेज है, पेट्रोल। गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, गाड़ी में कोई तरह का काम नहीं है, मतलब कोई एक रुपया खर्चा नहीं। बस मैकेनिकल एक भी काम नहीं, आप सजावट में जितना खर्चा कर सकते हो कर सकते हो, कस्टमर केवल लेगा और बस दौड़ाएगा रास्ते में, बस एकदम आराम से टोटल पेपर अप टू डेट देंगे। लोकेशन बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आपको यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन से बगल है, रांची रेलवे स्टेशन से बगल में है, आप रांची रेलवे स्टेशन आइएगा तो आपको रांची रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर डोरंडा राजेंद्र चौक जो है देख सकते हैं, यहाँ पे डोरंडा राजेंद्र चौक के पास, आपको डोरंडा राजेंद्र चौक के पास उतरना होगा। राजेंद्र चौक के बगल में फायर ब्रिगेड के पास हमारी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड के सामने खड़ी रहती है। मेरा लोकेशन क्लीन है, किसी से भी उधर के पूछिएगा कहीं से भी बता देगा रांची में बंगाल मोटर कहाँ पे है, गूगल पे सर्च मारिएगा वो भी आपको ले आएगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।